तब मैंने सोचा कि अब राइट टाइम है, मतलब मैंने अपनी स्किल्स कहीं पीछे छोड़ दी हैं, लव्ड प्रोडक्ट है मेरा। तो मुझे तब से ये जी लगता है कि आर्ट कभी खराब नहीं होता, तो मैं अपनी आर्ट करते हुए कभी डरती नहीं। नमस्ते, वेलकम टू एस डी स्टूडियो सीजन 2। दिस इज प्रिया गैरा, योर होस्ट, एंड इन दिस सीजन आई एम गोइंग टू नरेट सागा ऑफ आर्ट, आर्टिस्ट, देयर स्टोरीज एंड देयर एक्सपीरियंसेस। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी क्वीन ऑफ ब्लेंड। क्यों? क्योंकि आप उनका कोई भी आर्टवर्क देखिए, वो कलर्स के साथ, रंगों के साथ, उनकी टोन्स के साथ इतना बखूबी प्ले करती हैं कि वो अपने आप ही सुपर अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। वो गाजियाबाद से बिलोंग करती हैं एंड ट्रस्ट मी, शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। सो लेट्स वेलकम पल्लवी सिंह। हाय पल्लवी, हाउ आर यू? हाय हाय मैम, आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट, एंड यू लुक लवली इन ब्लू। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए पल्लवी, और आपके बारे में बहुत सारी चीजें जानने के लिए। थैंक यू मैम, मैं भी जी, बहुत सो एक्साइटेड हूँ। इट्स यस, लवली, सो गुड टू हियर दैट पल्लवी। मुझे लगता है कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। ओके। मेरा नाम पल्लवी सिंह है और टू बेबीज हैं, एक 9 इयर्स का, एक 9 इयर्स की है, एक 4 इयर्स की है। और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अच्छा, और यस, और उसके बाद मैंने दो मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम किया है और ओ रिसेंटली मैं रेजिन आर्ट कर रही हूँ एंड एंजॉइंग इट। ओके, लवली पल्लवी। आपने मुझे ऐसे छोटे 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 पैटर्न्स बताए अपनी स्टोरीज के, आपने फाइन आर्ट्स भी करा, आपने एमएनसीज में वर्क भी किया है, करेंटली आप रेजिन आर्ट कर रही हैं, उसे एंजॉय भी कर रही हैं। बट मुझे लगता है कि हमें पूरी की पूरी स्टोरी को ना बिल्कुल शुरू से जानते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कोई भी ऐसा आपके बचपन का किस्सा जहाँ पर आपको पहली बार लगा हो कि पल्लवी तेरे अंदर भी कोई आर्टिस्ट छुपा है और तू भी कुछ आर्टिस्ट, यू नो, आर्ट में कुछ कर सकती है, कुछ बन सकती है। सो डू यू रिमेम्बर एनीथिंग और एनी इंसिडेंट रिलेटेड टू चाइल्डहुड जो बताए ऐसा कुछ कि हाँ, आप आज से कितना ज्यादा कनेक्टेड है, कितनी जुड़ी हुई है? बिल्कुल, एक्चुअली मेरी बुआ है जो ऑयल पेंटिंग आर्टिस्ट है, तो अच्छा। बचपन से हम उनको पेंटिंग्स बनाते देखते थे। तो वो इतने बड़े बड़े कैनवासेस पे काम करते, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और मैं उनकी हेल्प भी करती थी कैनवासेस पे। तो मैं उनको देख के यही सोचती थी कि मैं, मुझे भी इन्हीं की तरह कुछ करना है। उनके एग्जीबिशंस लगती थी इंडिया में भी एंड आउट ऑफ इंडिया भी, तो अच्छा, मुझे लगता था एक दिन मेरे को भी यही वाला काम कर। तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा आर्ट के, आर्ट के जो झुकाव था वो वहीं से स्टार्ट हुआ। और बस मैं तभी से, चाइल्डहुड से ही आर्ट के लिए पूरा डेडिकेटेड रही। दैट्स अमेजिंग पल्लवी। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ना कोई इंस्पिरेशन एकदम से टच कर जाती है हमारे दिल को, या फिर हमारे अंदर के छुपे हुए आर्टिस्ट को, जो ट्रिगर कर देता है कि यार मुझे भी ये करना है और मैं कर सकती। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट पल्लवी कि आप फाइनली वो ड्रीम जी रही है अपनी रियल लाइफ जो आपने देखा था बचपन में। सो पल्लवी, जब आप, यू नो, आपने से बताया कि आपने अपनी बुआ को देखा आर्ट करते हुए, तो उसके बाद आपने फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिशन में या आर्ट रिलेटेड चीजों में पार्टिसिपेट किया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा आपका? यस, एक्चुअली स्कूल में जब मैं स्कूलिंग कर रही थी उस टाइम पे, मतलब मैं स्कूल में फेमस थी अपनी आर्ट के लिए। तो होता है ना कि बॉयज होते हैं, उनको रहता है कि मैं तेरा ये वाला काम कर दूंगा और तुम हमारा ये आर्ट कर दो। तो मैं पहले से ही करती रहती थी। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन की, 12th के बाद ग्रेजुएशन का टाइम आया, तो मैंने फाइन आर्ट्स चूज की और वहां से मैंने बहुत सारे स्किल सीखे। 4 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स था मेरा, वो जर्नी बहुत अच्छी रही। फिर उसके बाद मैंने मल्टीमीडिया ग्राफिक्स में भी 1 ईयर डिप्लोमा लिया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैंने दो कंपनीज के साथ भी काम किया। और उसके बाद मैंने, मतलब शादी 2013 में आई गॉट मैरिड, और उसके बाद मैंने अपना काम कम कर दिया और फिर मेरी बेबी हो गई। तो जब बेबी थोड़ी बड़ी हो गई, तब मैंने सोचा कि अब राइट टाइम है। मैं, मतलब मैंने अपनी स्किल्स कहीं पीछे छोड़ दी हैं, तो मैंने वो फिर से सोचा कि अब फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बस वहां से जब मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने छोड़ा नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है पल्लवी। और यू नो, कॉलेज टाइम, स्पेशली फाइन आर्ट्स कॉलेज टाइम ऐसा होता है कि वहां पर जाने से पहले आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, आप प्रो आर्टिस्ट, आप प्रो आर्टिस्ट हो, आप, आपको सब कुछ आता है, कुछ भी आपको ला कर दे दो आप कर लेंगे। बट
द डे व्हेन यू एंटर आर्ट कॉलेज, वहां पर आप ही के क्लोन्स है बहुत सारे, जो आप बिल्कुल ही की तरह है, आप ही के जितने आप टैलेंटेड और कभी आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस। तो जी। उस पूरी आर्टिस्ट की भीड़ में आपने अपने आप को अलग कैसे पाया? एक्चुअली मेरा कलर चॉइस और मतलब मैं हमेशा से ना ओरिजिनल वर्क में इंटरेस्ट था मेरा। मैं कभी मतलब मैं रेफरेंस लेती थी बट मैं कॉपी कभी नहीं करती थी, वो अभी तक मेरे। तो जो मेरा ओरिजिनल वर्क होता था ना वो ही मेरी पहचान थी कॉलेज में। तो जैसे मैंने अप्लाइड आर्ट्स में किया तो पोस्टर डिजाइनिंग होती थी, एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग होती थी, फोटोग्राफी होती, तो उसमें सब मेरा एकदम ओरिजिनल वर्क रहता। तो जो हमारे टीचर्स थे वो हमेशा इम्प्रेस्ड रहते थे मेरे वर्क से, और इस जब कॉलेज में एग्जीबिशन लगती थी तो उसमें भी मेरा वर्क अलग दिखता था। तो मुझे मतलब एक हैप्पीनेस लगती थी कि हाँ जी, अभी तुम दूसरे स्टूडेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट। थोड़ा हट करो। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी। एंड आपके पेरेंट्स का कैसा टेक रहता था? मुझे लगता है कि स्पेशली जो आर्टिस्ट के जो पेरेंट्स हैं, कि उनका अलग ही रुतबा होता है ना, कि मतलब कि आपकी बेटी जो है वो आर्टिस्ट है, कि एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा योनर है जिसे हर कोई पूरा नहीं कर सकता, हर कोई अडेप्ट नहीं कर सकता, हर कोई निभा नहीं सकता है, यू नो, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आपके पेरेंट्स आपको देखते थे कॉलेज टाइम पर कि जो पल्लवी है वो बहुत अमेजिंग यू नो पेंटिंग्स बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन रहता था? वो हमेशा प्राउड फील करते हैं, पहले भी और अभी भी। तो कॉलेज में जब मेरी एग्जीबिशन लगती थी वो देखने आते थे तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। दूसरे मतलब जब मैं घर जाती थी तो बताते थे कि अच्छा उनका वह कैसा था, तुम्हारा इतना अच्छा लग रहा था, ये डिफरेंट था, और ये भी दूसरे लोग वहां खड़े हुए क्या बातें कर रहे थे तुम्हारा वर्क दैट देख इज के। इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ, जी तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और मतलब शादी से पहले मेरे पेरेंट्स और अभी मेरे इन लॉज मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरे बच्चे छोटे हैं बट अभी जब मैं काम करती हूँ तो उन्हें पता है मम्मा अपने रूम में काम कर रही है, तो वो कभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते, और उनके फेस पे दिखता है सो कि दे आर स्वीट, वेरी हैप्पी के मम्मा ऐसा कुछ कर रही है। दैट्स सो सो लवली पल्लवी, टच वुड। एंड मैं चाहती हूँ कि हमेशा बरकरार इसे बेटर ग्रो करे। तो पल्लवी आप मुझे बताएं कि जैसे लाइफ जो बहुत कलरफुल चल रही थी, बहुत आर्टिस्टिक चल रही थी, एंड एकदम से आपकी वेडिंग का टाइम आया, एंड आई नो जब शादी हो रही होती है तो वो जो प्रोसेस है, शादी वाले दिन का काम नहीं होता, वो प्रोसेस 1 साल पहले शुरू जाती है, 1-1.5 साल पहले, जहाँ पर आप पूरी तरह उस प्रोसेस में आप हो जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा टाइम कैसा था? और आफ्टर वेडिंग आप में और आपके अंदर जो छुपा हुआ आर्टिस्ट था, उसके अंदर कितना डिफरेंस आया, कितना आपने बदलाव अपना फील करा? एक्चुअली जब मतलब शादी से पहले का टाइम डिफरेंट होता है, आप अपने घर पे हैं और आपकी मतलब मॉम होती है कि वो आपको कभी कोई काम करने के लिए भी नहीं कहती है, और अगर आप भी अपना काम कर रहे हो वो कभी नहीं बोलेंगे कि तुम उठो और ये वाला काम करो, ऐसे नहीं होता। बट शादी के बाद वो सडनली इतना चेंज आता है। एक्चुअली मैं रात को काम करती थी और सुबह मतलब लेट उठती थी, 10-11 बजे उठती थी, और जब शादी हो गई तो उसके बाद सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ शी वॉज अ टीचर, तो उनको जल्दी निकलना होता था तो 5 बजे उठना, तो वो एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो मुझे काम का टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। और फिर मैं क्योंकि न्यू चीजें अडेप्ट करनी थी, फैमिली में एडजस्ट करना था, तो टफ तो था। बट जब मेरी बेबी हो गई और वो स्कूल जाने लगी तो उसके स्कूल जाते हुए मैं उसके प्रोजेक्ट्स कुछ ना कुछ आपको पता है स्कूल से आता रहता है आर्ट से बिल्कुल रिलेटेड, बिल्कुल बिल्कुल, तो हंड्रेड मैं वो करती परसेंट थी। तो मुझे तब एहसास हुआ कि मैंने क्यों छोड़ दिया ये वाला काम, क्योंकि मुझे उसके स्कूल से भी बहुत प्रेज मिलता था। जी। तो तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं ये गलत कर रही हूँ, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, मैं फिर से करती हूँ। हाँ मैंने फिर जी से मैंने पेपर क्राफ्टिंग से स्टार्ट किया। अच्छा। एंड पेपर क्राफ्टिंग में आप स्टार्टिंग में क्या क्या करती थी? मैं फोटो स्क्रैप बुक बनाती थी ओह बेबी लवली। के, स्पेशली बेबीज के लिए, और हाँ मतलब मैंने 4-5 सेल की हैं स्क्रैप बुक्स, और वो काम भी सबको बहुत पसंद था बट उसमें बहुत ज्यादा मेहनत थी और मुझे उतना जी टाइम ये तो नहीं मिल है, पाया, बहुत हंड्रेड समा परसेंट फैलाना पड़ रहा था और बेबी छोटा था तो नहीं टाइम मिल रहा था। तो जी बट जितना टाइम मिलता था उसमें मैं करती थी। राइट। एंड आई थिंक यू नो किसी भी इंसान को एक टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत जरूरी है, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स, उन ऑर्डर्स को डिलीवर करना, फिर खुद के लिए भी समय निकालना एंड सब कुछ। तो मेरा अगला क्वेश्चन भी पल्लवी बिल्कुल इसी सिचुएशन से इंस्पायर
इंस्पायर्ड है कि जैसे करंट सिचुएशन की बात करती हूँ, आप एक रेजन आर्टिस्ट है, अपने आप में ही एक बिल्कुल अलग बिल्कुल डिफरेंट जर्नी। आप रेजन आर्टिस्ट की जर्नी तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप वो आर्टिस्ट बने ना, या आपने वो रेजन की जर्नी एक्सपीरियंस ना करी हो। सो आपकी इस अनोखी जर्नी में बहुत सारी फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। रेजन भी एक बेबी है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, उसे कुछ हो ना जाए इन टर्म्स ऑफ कलर बबल्स एंड सो ऑन थिंग्स। यू कैन रिलेट पल्लवी। तो इसी के साथ साथ इस बेबी को संभालते हुए आपकी अपनी पर्सनल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्लस सोशल मीडिया भी देखना है अपना, है ना, कि सब कुछ पोस्ट होना चाहिए, रील्स जानी चाहिए, एंड बहुत सारी चीजें जो आप एक साथ समेट कर आप उनके साथ काम कर रहे हैं। तो एक टाइम पर आकर कोई भी इंसान, कोई भी आर्टिस्ट ना थोड़ा सा थक जाता है ना। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप अपने आप को दोबारा से रिचार्ज कैसे करते हो, ठीक है, वो मंत्रा क्या है? एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे मेरे दो बेबी हैं, तो एक बेबी अब मेरा रेजिन आर्ट ही है। तो जब मैं रेजिन का काम करती हूँ, तो मतलब आपको पता है कि उस टाइम बेबीज भी पास नहीं होने चाहिए और बहुत सारा जी ध्यान रखना पड़ता है उसका, डस्ट और सब चीजों से ना, हाँ जी इंसेक्ट्स। हाँ जी बिल्कुल तो इतने टाइम में ना मैंने सीखा ये कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं। एक्चुअली मैं रात को काम करती हूँ, सुबह बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद मतलब जो मेरी हेल्प है घर में, तो उसका मेरे को बहुत सहारा रहता है, वो मेरी पूरी हेल्प करती है। उस टाइम पे मुझे कोई काम नहीं करना, मैं अपना ये वाला काम करती हूँ, रेजिन आर्ट का काम करती हूँ। जी और बेबीज मेरे स्कूल से आ जाते हैं, फिर उसके बाद उनको सुला के फिर से मैं अपना ये वाला काम करती हूँ, रेजिन आर्ट करती हूँ, और फिर नाइट में फिर से करती हूँ। तो मतलब वो मैंने टाइम मैनेजमेंट अपना किया हुआ कि मुझे इतने टाइम में, एक दिन में ये इतना काम अपना कंप्लीट कर, तो वो अभी बिल्कुल अच्छे से मैनेज हो पा रहा है मेरा काम। दैट्स लवली पल्लवी, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सुनकर। आप जब एक एक, एक इंसान सॉर्टेड होता है ना अपने प्लान को लेकर, अपनी डायरेक्शंस को लेकर, तो मुझे लगता है जर्नी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। सो आप मुझे बताएं पल्लवी के, चलिए मैंने आपको मान लिया कि आपने किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ चीजें करी, और आपका पैशन ही आपकी चीजों को और आपके अंदर की पावर को रिचार्ज करता है। बट हर सुबह उठकर ये सारी की सारी चीजें करने के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन चाहिए। तो आपकी मोटिवेशन क्या है पल्लवी इन सारी चीजों को अचीव करने की? मेरी मोटिवेशन मेरे बच्चे ही हैं। जब वो स्कूल से आते हैं तो उनको एक क्रेज रहता है कि आज मम्मा ने क्या बना। तो और मेरी मदर इन लॉ, अभी वैसे मेरी जॉइंट फैमिली है, बट अभी वो किसी काम के लिए दूसरी सिटी में है, मदर इन फादर। तो वो भी जब उनको भी डेली कॉल करते मेरी मदर इन लॉ, और वो भी पूछते हैं कि आज क्या नया बना। तो मतलब एक अंदर से रहते कि ना आज अच्छा, मैंने आज कुछ नया बनाना है और उनको भी भेजना है, और मेरे बच्चे जी भी देख के खुश हो रहे हैं, तो वो ही मुझे राइट मोटिवेट करते हैं सारा काम करने। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी। तो पल्लवी अब मैं जानना चाहती हूँ आपके ब्रांड के बारे में, जिसे आप लेकर आई हैं SD स्टूडियो Season 2 के अंदर। ब्रांड का क्या नाम है, ब्रांड के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और ये मास ऑडियंस को क्या ऑफर कर रहा है, क्या क्वालिटी ऑफर कर रहा है, मुझे आप ये बताइए। जी, मेरे ब्रांड का नाम है हार्टफुल हैंडमेड। एक्चुअली मैंने बताया आपको कि मैंने ये स्क्रैप बुकिंग से स्टार्ट किया, देन जी मैंने वुडन नेम प्लेट्स भी डिलीवर करी क्लाइंट्स को, उसपे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे कुछ नया सीखना है, और मैं जब रेजिन आर्ट देखती थी, रेजिन आर्ट प्रोडक्ट्स देखती थी, तो मुझे ना वो एक शाइन और एक रिचनेस होती है ना उसमें, एक क्लास ही होता है रेजिन प्रोडक्ट। जी तो वो देख के ना मुझे लगता था कि मुझे ये आर्ट सीखनी है। तो मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि कहाँ किससे सीखूं। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट, अदर आर्टिस्ट को भी अप्रोच किया। देन मैंने मुझे ये SD का एक इंस्टाग्राम पे ऐड दिखा, मैंने यहाँ देखा कि अच्छा ये एक टाइम में मतलब 30 प्रोडक्ट्स सिखा रहे हैं, वो भी सब बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे। जी तो तब मैंने ये रेजिन आर्ट चूज किया, और अभी ये करते करते मैं इतना एक्सप्लोर कर रही हूँ इसको, मतलब डेली मुझे ऐसे नए आइडियाज आते हैं और मैं नई चीजें एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो अभी मैं रिसेंटली कॉफी टेबल्स पे काम कर रही हूँ, ओके और मैंने एक 27 इंच की रेजिन क्लॉक बनाई है। ओ वाओ तो हाँ, तो और एक अच्छी बात ये कि अभी सबको मेरा काम इतना पसंद आ रहा है कि मुझे सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल्स के भी क्वेरीज चल रही हैं अभी मेरे क्लाइंट के दैट्स साथ। अमेजिंग पल्लवी। और मतलब अगर कोई मुझे अप्रोच करता है, मेरे ब्रांड को अप्रोच करता है, तो उन्हें हमेशा ओरिजिनल वर्क मिलेगा मेरे ब्रांड से, कोई कॉपी वर्क नहीं मिलेगा, और एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट। और
एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल पल्लवी, अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आए स्पेसिफिक डिजाइन लेकर कि पल्लवी आप मुझे ये पर्टिकुलर डिजाइन बनाकर, ओके फेयर इनफ। एंड आई थिंक आजकल के टाइम पर ना लोग बहुत ज्यादा अवेयर है रिलेटेड टू डिजाइनिंग स्पेशली। सो मुझे लगता है कि उस अवेयरनेस की वजह से हमेशा क्लाइंट आपके पास अपने कुछ आइडियाज के साथ आता है, और आपका ये कहना कि यहाँ पर आपके ब्रांच के अंदर कस्टमाइजेशन अवेलेबल है और आप ऐसा कर सकती है, आई थिंक ये अपने आप में ही आपके ब्रांच को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। सो आई विश यू जी ऑल द बेस्ट फॉर दिस। एंड पल्लवी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा आपके ब्रांड रेवेन्यू को लेकर, कि अभी तक आप जितने टाइम से आप रेजिन आर्ट परस्यू कर रही हैं प्रोफेशनली, तो अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट आप करती हैं, कितनी सेल्स हुई है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, मुझे बताइए। अच्छा, अभी तक मैंने एक अपनी एक्चुअली रिवर टेबल बनाई, तो वो मोस्ट लव्ड प्रोडक्ट है मेरा। हाँ, तो अभी तक मैंने एक वो ही सेल करी है अभी तक, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ये रेजिन आर्ट के साथ। तो अभी तक तो एक ही प्रोडक्ट सेल किया, बट अभी मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हूँ। ओके। तो मतलब मुझे लगता है ऑन द फ्लोर बहुत सारी चीजें हैं जो भी बाय द टाइम रिलीज होंगी, बट आई रियली थिंक एंड एम पॉजिटिव अबाउट इट पल्लवी, कि एसडी स्टूडियो सीजन 2 डेफिनेटली आपको और पोटेंशियल कस्टमर जो है वो लाकर देगा, जिससे शायद हम सीजन 3 में मिले और आप मुझे एक बहुत ही डिटेल्ड वर्जन बताएं अपने रेवेन्यू का, कि आपने इतना इतना जनरेट करा है। एंड आई रियली विश कि ये जरूर पूरा हो। जी, मैं अभी एक यही चीज ऐड करना चाहती हूँ कि मैंने एसडी स्टूडियोज की प्रिपरेशन के लिए इतना काम किया, उससे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मैंने प्रोडक्ट्स बनाए, वो सबको बहुत पसंद आए, और प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स मैंने ओरिजिनल बनाए अपने, तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है इसके। जी, बहुत ही जी अच्छी बात है पल्लवी, रियली। सो पल्लवी, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके अपकमिंग प्लान्स के बारे में, कि आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है खुद को लेकर, अपने ब्रांड को लेकर, ब्रांड को और बेटर बनाने को लेकर, मुझे सब कुछ बताइए। एक्चुअली मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि मैंने रिसेंटली, एक मेरे पास बल्क ऑर्डर आया की चेन्स का, तो मैंने की चेन बनाए, मैंने वो अपने सोशल मीडिया पे डाले, उस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स था। मतलब मैं अभी तक 50-60 बना के सेल कर चुकी हूँ अभी विद इन अ 1 वीक। ओ तो मतलब मुझे लगता है कि अगर छोटा प्रोडक्ट भी बना रहे हो तो आप उसको अच्छे से सेल कर रहे हो। की चेन्स बनाए तो वो छोटा प्रोडक्ट था, बट वो सबने बहुत पसंद किया। लोगों को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि ये किस चीज से बना हुआ है। राइट और फिर मैंने जब मैंने सोशल मीडिया पे उसकी रील डाली, उसमें भी एक्सप्लेन किया, लोगों ने मेरे पास क्वेरी करी तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, तो वो मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकला अभी रिसेंटली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं कॉफी टेबल्स पे काम कर रही हूँ, और मैं क्लॉक्स बना रही हूँ, जी और मैं अपने, मतलब मैं एक ही प्रोडक्ट पे स्टक नहीं होना चाहती अपने ब्रांड ब्रांड में। मैं और भी प्रोडक्ट्स रखना चाहती हूँ, जैसे वॉल आर्ट है, टेबल्स है, सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल, और मतलब मैं अभी तो एक्सप्लोर ही कर रही हूँ कि रेजन आर्ट में, रेजन में और क्या क्या। तो और मैं चाहती हूँ कि, मतलब एक तो मेरा टारगेट है कि मैं, जो मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया है, उस पे मैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स हो मेरे, जिससे मेरा बिल्कुल, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इंडिया हाँ में भी जी और इंडिया से बाहर भी। और हाँ अभी जी मेरा छोटा सा स्टूडियो है, तो मैं अच्छा, अभी आने वाले टाइम में, मैं सोच, मतलब मेरा प्लान है कि मैं एक बड़ा स्टूडियो खोलूँ अपना, और बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल छोटे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हूँ, तो अभी तो स्पेस इनफ है। बट जी, अभी जब सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल्स के ऑर्डर्स हैं, तो मुझे है कि मैं एक अपना बड़ा स्टूडियो बनाऊं। बहुत तो अच्छा, और मैं आने वाले टाइम में एग्जीबिशंस भी करना चाहती हूँ, अभी तक मैंने एग्जीबिशंस भी नहीं, तो प्लानिंग एग्जीबिशंस। एंड पल्लवी मुझे लगता है कि आप इतनी सॉर्टेड है अपने प्लान्स को लेकर, तो ये प्लान जरूर पूरे होंगे। सिर्फ आपका ना क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, आपको पता है ये आपका गोल है, ये आपका पाथ है, आपको इसी डायरेक्शन में मैनिफेस्टेशन करनी है, तो उसे पूरा होना ही होना है। सो पल्लवी, अगर आपको कोई ढूंढे सोशल मीडिया पे तो किस नाम से ढूंढे आप, किस नाम से हैं इंस्टाग्राम पे? हार्टी हैंडल्स ओके, सो जितने जी। भी व्यूअर्स हैं और जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं जो इंस्पायर होना चाहते हैं ओरिजिनल रेजिन आर्टवर्क के साथ, तो आप प्लीज प्लीज पल्लवी को फॉलो करें और इंस्टाग्राम, ताकि आप उनके सारे आर्टवर्क देख सके और बहुत बहुत सारा इंस्पायर हो सके, एंड ऑफ कोर्स शॉप भी कर सके, नहीं पल्लवी? ओके, सो थैंक यू सो मच पल्लवी, आपने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए, आपने बहुत ही सरलता से, बहुत सिंपलिसिटी से सब कुछ एक्सप्लेन किया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अपने अपकमिंग प्लान्स के बारे में। बट अभी ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, मैं आपको लेकर जा रही हूँ नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है द रैपिड फायर राउंड, ओके, जहाँ पर मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ रैपिड क्वेश्चन, ओके, जिसका आपको मुझे जवाब देना है जल्दी जल्दी, ओके।
शुरू करें? ओके या ऑल राइट, सो रैपिड फायर विद पल्लवी. तो पल्लवी, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फेवरेट कलर टू वर्क विद इन रेजिन आर्ट? इट्स ब्लू. ओके. यू लाइक एक्रेलिक कलर और इपॉक्सी रेजिन? आई मीन यू आर इनटू एक्रेलिक मोर और इपॉक्सी रेजिन? रियलिस्टिक. ओके. रियलिस्टिक रेजिन आर्ट वर्क और एब्स्ट्रैक्ट रेजिन आर्ट वर्क? ओके. ग्लॉसी और मैट फिनिश? ग्लॉसी ऑफ कोर्स. ओके. यू आर अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउट. ओके. एनी प्रेफर्ड और फेवरेट रेजिन आर्ट टूल? चॉइस देती हूँ, सिलिकॉन मोल्ड या फ्री फॉर्म पोरिंग? फ्री फॉर्म पोरिंग. ओके. या यू आर अ बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन? बीच पर्सन. ओके. सो योर गो टू सोर्स फॉर आर्ट सप्लाईज? एसडी अकेडमी. ओके. डिजिटल और फिजिकल स्केचबुक फॉर प्लानिंग रेजिन प्रोजेक्ट? सॉरी आई डिडंट गेट यू. डिजिटल, डिजिटल और फिजिकल स्केचबुक फॉर डिजाइनिंग रेजिन आर्ट प्रोडक्ट? फिजिकल स्केच. ओके. सो डू यू एंजॉय टीचिंग अदर योर रेजिन आर्ट टेक्निक? या ऑफ कोर्स. ओके ओके. सो एनी, इज देर एनी ड्रीम कोलेबोरेशन यू आर लुकिंग फॉर? अभी तो ये एसडी स्टूडियो का चल रहा है, तो मुझे एसडी एकेडमी के साथ ही कोलैबोरेशन का वेट है. मैं उसी का ग्रेट. इक्वली वेट कर रही हूँ. ओके. सो थैंक यू सो मच पल्लवी. इस पूरे इंटरव्यू का जो एंड होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी कोई भी एक फेवरेट कोट या कोई भी एक फेवरेट लाइन से, या कोई भी ऐसी चीज जो आप अपनी लाइफ में वो मंत्रा फॉलो करती हैं, उसके साथ ही हम इसे एंड करेंगे. एक्चुअली जैसे मैंने अपनी बुआ के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, तो जब हम छोटे थे तो छोटे होते हैं तो वो स्किल्स उतने नहीं होते हमारे पास. तो हम जब भी कोई हमारा आर्ट वर्क खराब होता था तो वो हम उनके पास लेके जाते थे कि ये तो खराब हो गया. तो वो हमेशा कहती हैं कि आर्ट कभी खराब नहीं होती. तो यस. मतलब उस टाइम हमें नहीं समझ आता, तो तब फिर वो करके दिखाती थी ना कि अच्छा ये आपने ये ऐसे बनाया, आप कॉपी कर रहे थे, ये थोड़ा गलत बन गया, आप ये यस ओरिजिनल, अब इसमें हम यस कुछ और यस करेंगे, ओरिजिनल बन. तो ये जी ओरिजिनल जी वाला वर्ड ना वहीं से आया हमें. तो मुझे तब जी से ये लगता है कि आर्ट कभी खराब नहीं होता. तो मैं अपनी आर्ट करते हुए कभी डरती नहीं हूँ. मैं और जी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, और मेरे और भी फेलो आर्टिस्ट और जो न्यू बीज है उनके लिए यही सजेशन है कि बी एक्सपेरिमेंटल, एंड एक रेजिन आर्ट के साथ एक पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, जी और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें. दैट्स अमेजिंगली गुड पल्लवी. थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई विल सी यू सुपर सुपर सून. हम आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और अब तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड आई विल सी यू सुपर सून. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच मैम. ओके टेक ओके. केयर. बाय बाय.